हाँ, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हेन डू कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स अकर। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आपका जो मेन शब्द है वो उसे समझिए आप। यहाँ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सांस्कृतिक विरोध। अब चूंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पहले ग्रामर के तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप इसका जो सेंस है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएंगे कि जो सांस्कृतिक विरोध होता है व्हेन, वो कब होता है। यानी आपको यहाँ वो कंडीशन बतानी है कि जिस कंडीशन में सांस्कृतिक विरोध पैदा होता है। तो पहले एक बार आंसर के वर्ड मीनिंग समझिए क्या कह रहा है आंसर, कि समटाइम्स कभी कभी जो नेशनलिज्म होता है, जो राष्ट्रवाद होता है, गोज ऑन स्प्रीड। स्प्रीड का मतलब होता है फैलना, तो वो फैलता है इन एग्रेसिव वे। एग्रेसिव वे का मतलब क्या होता है, उग्र होकर के। तो उग्र तरीके से भी कभी कभी राष्ट्रवाद फैलता है। इन सारी चीज़ों को अभी ठीक से समझेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए कि आंसर में हमें लिखना क्या है। तो जैसे हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं, तो कभी कभी ये नेशनलिज्म एग्रेसिव तरीके से फैलता है, उग्र होकर के फैलता है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स अकर, और जो सांस्कृतिक विरोध है वो पैदा होता है, सांस्कृतिक विरोध बनता है विद द स्प्रीड, इस फैलने के साथ, ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। तो जो ये राष्ट्रवाद उग्र होकर के फैलता है, तो राष्ट्रवाद का उग्र होकर के फैलना ही सांस्कृतिक विरोध पैदा करता है। अब अभी केवल आपको इन वर्ड्स पे नहीं जाना, आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा सोचना है कि राष्ट्रवाद क्या होता है और उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है। अगर आप इन दोनों का अंतर ठीक तरीके से कर पाए तो आप इस आंसर को अच्छे से समझ पाएंगे। और ये जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में रखे जाते हैं, इनका उद्देश्य केवल आप लोगों को एक डिग्री देना नहीं होता, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है और एक जो देश के लिए जो परफेक्ट को जो मानसिकता है वो कैसे बनती है उसको भी विकसित करना होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ठीक से समझिए। अगर आप अच्छे से समझ पाए कि नेशनलिज्म क्या होता है और एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या होता है, दिस काइंड ऑफ नेशनलिज्म, यानी अगर कोई राष्ट्रवाद उग्र हो जाता है तो इस प्रकार का जो राष्ट्रवाद होता है बिकम्स अ डेंजर, वो एक खतरा बन जाता है इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से। तो इसी तरीके का राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है। नेशनलिज्म है तब तक वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे ही ये नेशनलिज्म एग्रेसिव नेशनलिज्म में चेंज हो जाता है, और कब चेंज हो जाता है ये पता भी नहीं लगता। यानी नेशनलिज्म और एग्रेसिव नेशनलिज्म के बीच की जो रेखा है वो बहुत बारीक होती है, हमें पता भी नहीं लगता कि हम किस तरीके से नेशनलिज्म को पार करके एग्रेसिव नेशनलिज्म में चले गए। और अगर इस प्रकार का जो नेशनलिज्म होता है बिकम्स अ डेंजर, वो एक खतरा बन जाता है इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से, और इट ब्रीड्स। और अगर ये नेशनलिज्म आपका एग्रेसिव नेशनलिज्म हो जाता है तो ये फिर जन्म देता है कन्फ्लिक्ट्स एंड हैट्रिक। और एग्रेसिव जो नेशनलिज्म होता है वो केवल विरोध को जन्म देता है, वो केवल घृणा को जन्म देता है। अब यहाँ आपको जो समझने वाली बात है कि एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या होता है। अगर आप ये कहती हैं कि आपका राष्ट्र दुनिया का बेहतरीन राष्ट्र है, आपका राष्ट्र दुनिया के अच्छे राष्ट्रों में से एक है, तब तक आपका नेशनलिज्म है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये मानसिकता विकसित होने लगती है कि मेरी जो संस्कृति है, मेरा जो राष्ट्र है, वो दुनिया के सभी राष्ट्रों में सबसे ऊपर है, तो ये जो नेशनलिज्म है वो एग्रेसिव नेशनलिज्म की ओर चला जाता है। यानी आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने राष्ट्र पर गर्व करते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आपके अंदर ये भावना विकसित होने लगती है कि आपके इंडिया में पैदा होने की वजह से ही बाकी के सारे राष्ट्र इंडिया के सामने छोटे हो गए, तो ये एक एग्रेसिव नेशनलिज्म की ओर आपको ले जाता है। तो इसलिए इस तरीके का जो नेशनलिज्म होता है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक खतरा होता है। अब आप यहाँ आंसर को ठीक से समझिए कि कभी कभी नेशनलिज्म गोज ऑन स्पीडिंग इन एन एग्रेसिव वे। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि कभी कभी क्या होता है कि जो नेशनलिज्म होता है गोज ऑन स्प्रीडिंग, वो फैलता जाता है इन एन एग्रेसिव वे। तो उग्र तरीके से कभी कभी राष्ट्रवाद फैलता जा रहा है, जैसा हम लोग आजकल देख भी रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर एग्रेसिव नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे मेरी संस्कृति दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्कृति है, क्यों बेहतरीन संस्कृति है नहीं पता, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि इंडिया इज़ अ ग्रेट, यानी किन अर्थों में आप इंडिया को ग्रेट कंट्री मानते हैं ये नहीं पता।
लेकिन केवल एक दिमाग में ये सोच बना ली है कि इसलिए बेहतरीन यानी इंडिया को मैं ग्रेट कंट्री मानता हूँ क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ। तो ये जो आपके अंदर फीलिंग आ जाती है, तो ये जो फीलिंग है यही आपको एग्रेसिव नेशनलिज्म की ओर ले जाती है। तो यही आपको यहाँ समझना है कि समटाइम्स जो नेशनलिज्म होता है गोज ऑन स्प्रीडिंग, कि वो बढ़ता जाता है इन एन एग्रेसिव वे। और अगर नेशनलिज्म एग्रेसिव होकर के बढ़ता है, इसका मतलब कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स अकर, के जो सांस्कृतिक विरोध है वो होने लगता है विद द स्प्रीड ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। तो जो एग्रेसिव नेशनलिज्म फैलता है तो इसके फैलने के साथ साथ ही सांस्कृतिक विरोध होने लगता है, और होगा भी। आप अपनी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे और सामने वाले की बातों को आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, तो इसका मतलब सांस्कृतिक विरोध होगा। तो जो एग्रेसिव नेशनलिज्म, जो कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स है, वो अकर्स विद द स्पीड ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। और अगर कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स हो जाता है तो दिस काइंड्स ऑफ नेशनलिज्म, यानी जो नेशनलिज्म हमें कल्चरल कन्फ्लिक्ट देता है, तो दिस काइंड ऑफ नेशनलिज्म बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली। तो इस प्रकार का जो नेशनलिज्म होता है वो इंटरनेशनली एक खतरा बन जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से आपके लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि निश्चित रूप से वो एक संस्कृति का किसी दूसरी संस्कृति से विरोध पैदा करेगा। यानी ये जो राष्ट्रवाद होता है कभी भी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। आगे देखिए, इट ब्रीड्स कन्फ्लिक्ट एंड हेट्रेड, कि ये जो होता है, अब चूंकि ये खतरा हो गया तो इससे क्या पैदा होता है, यानी एग्रेसिव नेशनलिज्म जो होता है उससे पैदा क्या होता है कि इट ब्रीड्स कन्फ्लिक्ट, इससे विरोध पैदा होता है, एंड हेट्रेड, और इससे घृणा उत्पन्न होती है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कि व्हाट आर द वेरियस डोमेन्स ऑफ कल्चर। डोमेन्स का मतलब होता है कार्य क्षेत्र। आपको यहाँ बताना है कि जो विभिन्न कार्य क्षेत्र हैं वो आपको बताने हैं किसके, संस्कृति के, कि व्हाट आर द वेरियस डोमेन्स ऑफ कल्चर, के संस्कृति के जो अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं वो क्या हैं। तो यहाँ आपको केवल चैप्टर से देख के लिखना है कि जो जो यहाँ डोमेन्स बताए गए हैं संस्कृति को लेकर के। वैसे मेरे ख्याल से जिन लोगों ने चैप्टर को ठीक से रीड किया है उन्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। केवल उनके नाम लिखने हैं कि वेरियस डोमेन्स ऑफ कल्चर आर, एक तो आर्किटेक्चर होता है जो वास्तुकला होती है, म्यूजिक होता है वो भी संस्कृति का कार्य क्षेत्र है, एंड लिटरेचर, और जो साहित्य होता है। तो ये सब डोमेन्स हैं, लेकिन अगर इनमें से किन्हीं दो का भी हैप्पी कॉम्बिनेशन होता है तो निश्चित रूप से ये एक गुड कल्चर को जन्म देता है। तो वो आपको बताना है कि द हैप्पी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ देम रिजल्ट्स इन गुड कल्चर। तो अगर इनमें से किसी भी दो का हैप्पी कॉम्बिनेशन होता है तो इसके परिणामतः एक अच्छी संस्कृति निकल करके आती है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल वेरियस डोमेन्स में आपको लिख देना है, एक तो आपका आर्किटेक्चर हो गया, म्यूजिक हो गया, जो तीनों बातें वहाँ उन्होंने बेसिकली बताई हैं, आर्किटेक्चर है, म्यूजिक है, या तीसरा आपका लिटरेचर हो गया जो आपका साहित्य है। अगर इनमें से किसी भी दो का हैप्पी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू स्प्रिट्स या हैप्पी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू रिजल्ट्स इन गुड कल्चर, इसकी वजह से एक अच्छी संस्कृति जो होती है वो उत्पन्न होती है। ठीक,